काइजर, आपको तो पता ही है, बचपन से सबका सपना होता है एक डॉक्टर बनने का। और फाइनली मैं पढ़ाई वढ़ाई सारी की सारी कंप्लीट करके फाइनली एक डॉक्टर बन चुका हूँ। तो काइजर, आप सबका स्वागत है डे 14 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज में। और काइजर, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं डॉक्टर सिमुलेटर। अभी हम अपने हॉस्पिटल में यहाँ पर आ चुके हैं। अभी हमारा हॉस्पिटल पब्लिक के लिए ओपन यहाँ पर हुआ नहीं है। आज मेरा पहला दिन है यहाँ पर डॉक्टर बनने का, तो आज हमारी थोड़ी प्रैक्टिस वैक्टिस भी होने वाली। तो अभी फटाफट से यहाँ पर अंदर चलते हैं। हमें एक बटन ढूंढना है, बटन यहाँ पर लग रहा है। ओके, चलो मैंने इसको ऑन कर दिया क्योंकि इससे गेट खुलेगा सामने वाला। फटाफट से अंदर चलते हैं अपने ऑपरेशन रूम की तरफ। हमारा ऑपरेशन रूम किधर है, मुझे वही नहीं मिल रहा। यहाँ पर हमारी आईडी लगने वाली, फटाफट से अपना हैंड प्रिंट दे देते हैं यहाँ पर। तो काइजर, गेट अपना यहाँ पर खुल चुका है और सर्जरी की तरफ अभी हम जा रहे हैं फुल स्पीड में। लेट्स गो, चलते हैं अपनी आज की सबसे पहली सर्जरी करते, देखते हैं क्या होने वाला है, कौन सा रूम है ये वाला। तो काइजर, अभी मैं सर्जरी रूम में ढूंढ रहा हूँ, मुझे सर्जरी रूम ही नहीं मिल रहा, कहाँ जाना है मुझे। यहाँ पर अपनी आईडी लेके अपन को करना है स्कैन। और काइजर, अभी हम यहाँ पर अंदर आ चुके हैं, आखिरकार फाइनली अपने सर्जरी रूम में आ चुके हैं। तो गाइस, अभी आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पर सर्जरी रूम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर हमें एक लेग ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा हमारी ट्रेनिंग के लिए। और अभी ये अंकल आ गए। अभी आप देख सकते हो गाइस, ये अंकल यहाँ पर आ चुके हैं और हमें इनका लेग ट्रांसप्लांट करना है। और एक सेकंड, इनका ब्रेन इनके पेट के अंदर क्यों है, अरे पता नहीं इंटेस्टाइन होगी, छोड़ो। अभी हमें इनका ये वाला पैर यहाँ से निकालना है, तो फटाफट से यहाँ से खींच के पैर निकाल देते हैं। ये क्या कर दिया मैंने, चीची इधर उठा से फेंक देते हैं। और हमें यहाँ पर एक इंजेक्शन चाहिए होगा। कहां पर इंजेक्शन, कहां पर है, मुझे तो मिल नहीं रहा। अंकल तो ऐसे भेजेंगे, इनका खून पूरा भेजेगा। कहां पर है। तो गाइस, अभी यहां पर अपनी सिरिंज भी आ चुकी है, फटाफट से इसको उठाते हैं। और इनकी ब्लीडिंग को हमें रोकना है, तो यहां पर लगा देंगे। ये ले। अबे लग नहीं रही, लग जा। अबे इसके पैर में क्यों नहीं लग रही है, सॉरी गलत जगह लगा दी। ये ले, लग जा। और गाइस, यहाँ पर लगता है मैंने सिरिंज लगा दी है। ओके, लेट्स गो, इसको फटाफट से यहाँ पर रख देंगे। और फ्रेश लेग यहाँ पर बिल्कुल आ चुका है हमारे बॉब के लिए, हमारा मस्त पेशेंट है ये। इसकी ब्लीडिंग यहाँ पर रख चुकी है और फटाफट से इस पैर को यहाँ पर लगा देते, लग जा। तो गाइस, अभी हमने इसके पैर को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और अपने सबसे पहले पेशेंट को हमने बिल्कुल यहाँ पर ठीक कर दिया है। हमारी पहली सर्जरी यहाँ पर बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है। तो अभी उसी पेशेंट को हमें लगता है थोड़ा और काम करना है। यहाँ पर हमें रेड सिरिंज दे रही, तो इसके अंदर घुसा देते, ये मुंह के अंदर मारनी है कि ये ले, खा ले सिरिंज को। और काइजर, यहाँ पर सिरिंज भी पूरी की पूरी ढंग से लग चुकी है। और काइजर, अभी हमें इसका हाथ काट के नया हाथ भी लगाना है, तो चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ से। ये सौ उठा लेते हैं, पिछली बार तो हमने ऐसे उखाड़ दिया था, पर इस बार लगता है हमें इसको काटना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन पकड़ लेते हैं अपनी सौ को और फटाफट से जाएंगे, इसका हाथ यहाँ पर हम काटने वाले। ये ले, कट जा। इसके हाथ को हमें ढंग से काटना पड़ेगा, कट जा। तो काइजर, अब इसका हाथ यहाँ पर कटना शुरू हो चुका है, कट जा पूरा का पूरा हाथ, हमें इसको काटना पड़ेगा तभी तो नया लगेगा। अरे छोड़ अपने हाथ को, सॉरी, सिक गर्दन पे मार दिया, कोई बात नहीं, इतना तो चलता रहता है। अभी फटाफट से इसका हाथ यहाँ से काट देते हैं, कट जा। और काइजर, यहाँ से हाथ निकाल देते हैं। ओके, हाथ ऐसे नहीं निकालना था, वापस करना पड़ेगा। वापस से सौ को उठाते, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मेरे हाथ इतने ज्यादा हिल रहे, पता नहीं कैसे कर लेते लोग। अरे गलती से इसके मुंह पे मार दिया, इसको फटाफट से काटना शुरू करते, कट जा। और काइजर, फाइनली हमने इसका हाथ यहाँ पर काट दिया, इसको फटाफट उठा के फेंक देते हैं यहाँ से और इसका अगला आर्म यहाँ पर लगा देते हैं, वरना ये ब्लीड होके मर ही जाएगा इधर। फटाफट से हमने यहाँ पर लगा दिया है और ये डन। तो काइजर, आप देख सकते हो हमने इसका पैर ठीक कर दिया और इसका हाथ भी यहाँ पर ठीक कर दिया है। ये अंदर सो कर इसके पास जाऊंगा, ए मुझे अंदर आने दो। चलो, हमारा काम यहाँ पर हो चुका है, फटाफट से चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमें करना है एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट। याद रखना, अभी हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पर आ चुका है लंग्स, हमें लंग्स का ट्रांसप्लांट इसका करना पड़ेगा। तो काइजर, दोनों लंग्स लगता है मुझे यहाँ पर आ चुके, जो कि हमें इसके अंदर लगाने हैं। तो अभी इनको छोड़ देते हैं, पहले हमें इसकी चेस्ट को खोलना पड़ेगा, जो इसकी रिब केज है इसको खोलना पड़ेगा। उसके लिए हथौड़ी काम करेगी क्या, इस हथौड़े को लेके चलते फटाफट से वहां पर और इसका पूरा का पूरा रिब केज फोड़ डालेंगे। तो काइजर, अभी आप देख सकते हो हम इसका रिब केज यहाँ पर तोड़ने वाले, इसकी मदद से फटाफट से तोड़ देते हैं और ये टूट रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर आधे से ज्यादा रिब केज टूट गया है, इसको फटाफट से तोड़ देते हैं और इसका तो खून निकलने लग गया। अरे ये तो नहीं होना चाहिए था, जल्दी टूट जा, वरना ये मर ही जाएगा इधर ही। और मैंने कुछ तो गलत कर दिया, इसको फटाफट से फेंकते हैं, अपना इंजेक्शन लेके आते हैं बढ़िया वाला। यहाँ पे हमें इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इसका खून बहता जा रहा है, इसका खून यहाँ पर रोकना पड़ेगा। रुक जा, यहाँ पर इसको रोक देते हैं और इसका खून तो
हमने यहाँ पर रोक दिया है। तो गाइस यार इसकी किडनीज तो ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुकी, मतलब लंग्स यहाँ पर ऑलरेडी गिर चुके हैं, इनको उठा लेते हैं यहाँ से। तो गाइस यार अब यहाँ देख सकते हो पूरा का पूरा रिब केज हमने यहाँ पर तोड़ दिया है और हमें चाहिए यहाँ से एक यहाँ पे और लंग्स चाहिए होंगे, तो फटाफट से यहाँ पर लगा देते हैं लंग्स को। ये लो एक आपका लंग हो गया, एक ही लंग दे दूंगा इसको, सही रहेगा मेरे ख्याल से, पर दूसरा लंग भी देना ही पड़ेगा। यहाँ पर फटाफट से चाहेंगे दूसरा लंग इस साइड से रख देते हैं। ये लो अंकल आपका दूसरा सांस लेने का तरीका, ये लो। और गाइस यार बिल्कुल सक्सेसफुली हमने यहाँ पर उसका पूरी सर्जरी कंप्लीट कर दिया, उसका पैर काट के नया लगा दिया, हाथ काट के नया लगा दिया और लंग्स भी यहाँ पर नए लगा दिए। वो अलग बात है यहाँ पर पूरा का पूरा कचरा कर दिया, पर ये सब तो चलता रहता है, हमारा पहली बार ही है ये तो। और गाइस यार हमारी लेवल यहाँ पर पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, आखिरकार हम एक क्वालिफाइड सर्जन बन चुके हैं। अब हम जाएंगे रियल पेशेंट के साथ जिनको असली असली बीमारी होगी, मतलब इसको थी पर ये एक हमारा ट्रेनिंग पेशेंट था, पर अब हमारे असली असली पेशेंट आने वाले हैं। चलो फटाफट से चलते हैं असली पेशेंट को ठीक करते हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा बढ़िया यहाँ पर लगने लग चुका हूँ, हम यहाँ पर अपने कपड़े भी चेंज कर सकते हैं, तो डॉक्टर के कपड़े पहनना सबसे सही रहेगा। एक सेकंड, ये वाले तो और भी बढ़िया लग रहे हैं, हम यही वाले पहनने वाले हैं। और ऊपर हम पहनेंगे क्या पहने एलियन का मास्क, नहीं ये सही रहेगा। और ग्लव्स में हम पहन लेंगे ये स्केलेटन वाले जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और अपन फटाफट से बाहर चल लेते हैं, हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो गाइस यार अभी टाइम आ चुका है हमारी अगली सर्जरी का, असली पेशेंट का। तो फटाफट से यहाँ पर अपन जाकर अंदर बैठ जाएंगे, हम बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। और ये लिफ्ट भी यहाँ पर चलने वाली है, 3 2 1 गो। तो गाइस यार अभी अपनी सर्जरी के लिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे लगा ये बच्चा यहाँ पर तो टेडी पड़ा है। अभी फटाफट से चलते हैं, यहाँ पर हमारी आईडी लगा देते हैं। आईडी कहाँ है? आईडी मुझे लगता है यहाँ पर मिलने वाली है। जी हाँ, आईडी यहाँ पर मिल चुकी है। इसको फटाफट से उठाकर लेकर चलते हैं और इसको स्कैन कर देते हैं ताकि हमें एंट्री मिल सके। मेरी एक तो इतनी इंपॉर्टेंट सर्जरी है और ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे। और अभी हम यहाँ पर अंदर आ चुके, फटाफट से ये बटन दबा देते हैं। और गाइस यार हमें देखना पड़ेगा इसमें करना क्या है। बॉब इज सिक हार्ट, हमें इसका हार्ट ठीक करना है। हार्ट किस तरफ होता है? हार्ट मेरे ख्याल से रिब केज के अंदर जो लंग्स है उनके नीचे होता है। तो हमें पहले सबसे पहले गेट यहाँ पर बंद कर दिया हमने, सबसे पहले हमें इसका रिब केज फोड़ना पड़ेगा। तो हमें चाहिए उसके लिए हैमर। हैमर किधर मिलेगा? तो गाइस यार फाइनली हमें यहाँ पर हथौड़ा मिल चुका है और इसको लेकर जाने वाले हैं उसका पूरा का पूरा रिब केज हम तोड़ने। तो फटाफट से शुरू करते हैं, 1 2 बूम बूम, टूट जा, जल्दी जल्दी पूरा का पूरा रिब केज तोड़ देते ताकि हम इसकी हार्ट सर्जरी यहाँ पर कर सके। इसको यहाँ पर इसको भी तोड़ देंगे, हट जा यहाँ से, टूट जा। हमें इसके पूरे के पूरे रिब केज को यहाँ पर तोड़ना, मेरे ख्याल से टूट चुका है तो इसको उठाकर हम फेंक सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। हमें इसको पूरा का पूरा अपने हाथ से ही तोड़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी, टूट जा। A few minutes later. तो गाइस यार यहाँ पर अभी ब्लड बहने लग चुका है और 2-3 चीजें भी इसकी बाहर आ चुकी है, मुझे पता भी नहीं क्या चीजें। मुझे जल्दी से ये इंजेक्शन लगाना पड़ेगा वरना वो इधर ही मर ही जाएगा। फटाफट से चलते हैं उसको बचा लेते हैं। अंकल आप टेंशन मत लो, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ, ये लो सुई खा लो। इनको फटाफट से यहाँ पर सुई लगा के हमने इनका ब्लड तो यहाँ पर रोक दिया, पर ये 2-3 चीजें बाहर आ चुकी है, ये क्या है मुझे पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आगे तो कोई बात नहीं, इधर रख देते चुपचाप। यहाँ पर अभी इसको रख देते हैं और इसकी लगता है इंटेस्टाइन भी यहाँ पर बाहर आ चुकी है, इसको भी उठा के यहाँ पर रख देते हैं। क्या खतरनाक डॉक्टर रूम है, मेरे पता नहीं क्या बाहर निकाल दिया, मेरे को खुद को ही नहीं पता क्या चीज है। चलो उधर जा, अभी इसकी अभी तक ही नहीं टूटी है यार हड्डी, कितनी मजबूत हड्डी है। रुक जाओ, ये यहाँ से निकालेंगे किडनी इसकी बाहर, उसको भी यहाँ पर रख देते हैं और इसकी दूसरी किडनी भी यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी किडनी भी यहाँ पर बाहर निकल चुकी है और इसका आखिरकार हमें हार्ट यहाँ पर मिल चुका है। फटाफट से ये हार्ट यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर और इसको लेकर चल के यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर हमें अपना नया हार्ट लगने वाला है तो यहाँ पर हमने रख दिया। फटाफट से अंदर चलते हैं, तो फटाफट से यहाँ पर अपना हार्ट एक मंगवा लेते हैं, हमें चाहिए एक हार्ट, इसको लेकर चलेंगे फटाफट से, उसके अंदर लगा लेते हैं और आखिरकार अपने पेशेंट को बचा पाएंगे। कब से ऐसे खुला पड़ा है यहाँ पर, फटाफट से यहाँ पर जाएंगे, इसका हार्ट यहाँ पर रख देते हैं, डन। और ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है, वो अलग बात है मेरी सारी की सारी चीजें यहाँ पर निकाल दी। और गाइस यार हमारी लेवल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, अंकल को हमने यहाँ पर सक्सेसफुली बचा लिया है। तो हम देख सकते हो पास हम हो चुके हैं, ए हमें मिला है पर ए प्लस प्लस नहीं मिला, मुझे लगता है हमें और ढंग से करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, शुरू के लिए ए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो चलो अब चल के अपने अगले पेशेंट को बचाते हैं।
और काइजर अभी आ चुके हैं अपने अगली लेवल पर। अगली सर्जरी हमारी यहाँ पर शुरू होने वाली है, डायग्नोस्टिक स्कैनर। और ये अंकल फिर से यहाँ पर आ चुके हैं, देखते हैं इनको क्या दिक्कत है। दोनों हाथों में इनके दिक्कत है, तो हमें पूरा का पूरा इनको उड़ाना पड़ेगा लगता है। इनके हाथ है अनहेल्दी, तो अनहेल्दी हाथ के साथ क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पर हम 2-3 सिरिंज मंगवा लेंगे, जो कि जरूरी होती है, अगर ब्लड भेजा जाता है तो ये लगाना पड़ता है। अब ये चलते हैं यहाँ पर, और ये बॉल यहाँ पर किसने रखी, ये। और कैसर यहाँ पर देख सकते हो, राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट लेग है, राइट लेग है, फटाफट से यहाँ पर मंगवा लेते हैं। और ये क्या, ये तो जीरो हो चुके हैं। अबे मैं कहाँ से लाऊंगा अब। और गाइस सर अभी हमें यहाँ से रास्ता मिल चुका है उधर जाने का, फटाफट से चल लेते हैं। अबे इसको हटाओ यहाँ से, क्या ये, हट यहाँ से, फटाफट से इसको हमने हटा दिया। और यहाँ से अपन अंदर चल लेते हैं, और मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रहा। तो गाइस सर अभी हमें इस वाले गेट को खोलना है, क्योंकि सारी की सारी चीजें अंदर ही है, तो हमें यहाँ से इसको खोलना पड़ेगा। उसके लिए इस बॉल को अंदर डालना पड़ेगा, ताकि ये बटन पर जा सके, उस बटन को ये बॉल टच करेगी और ये गेट फिर खुल जाएगा। इसको फटाफट से यहाँ पर वापस उठा लेते हैं। इस बॉल को हमने अंदर डाल दिया और बटन यहाँ पर खुल चुका है। लेट्स गो, फाइनली हमारा गेट यहाँ पर खुल चुका है। अब हमें चाहिए एक हाथ यहाँ पर चाहिए, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, तो फटाफट से यहाँ पर मंगवा लेते हैं अपने लिए लेफ्ट और राइट हाथ। तो कोई सर अभी हमने यहाँ पर अपना कटर भी उठा लिया है, इसके दोनों के दोनों हाथ काटने के लिए। तो बॉब जी तैयार हो जाओ, आपका हाथ यहाँ पर कटने वाला है। फटाफट से यहाँ पर इस हाथ को काट देते हैं। कट जा, ये कट जा, और ये नहीं कटा, थोड़ा और दम लगाना पड़ेगा। वापस से शुरू करते हैं और इसके हाथ को पूरा का पूरा इस बार हम काट देंगे, एक भी छोड़ने नहीं वाले। तो कोई सर मैंने बहुत कोशिश कर ली, यहाँ पर इसका हाथ यहाँ पर कट ही नहीं रहे, मैं सीधा इसको उखाड़ के फेंक दूंगा। और ये लेवल यहाँ पर फेल हो चुकी, द पेशेंट लॉस्ट टू मच ब्लड, वापस से करना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल है, इसका हाथ काटना कट नहीं रहा, मैं क्या करूं। मुझे इंजेक्शन हमेशा रेडी रखना पड़ेगा, जैसे ही इसका हाथ बाहर निकलेगा सीधा इंजेक्शन लगा दूंगा, ताकि इसका ब्लड भी यहाँ पर लॉस नहीं हो और हम लेवल भी जीत जाए। वापस हमें शुरू करना पड़ेगा इसको पूरा का पूरा। चलो गाइस फटाफट से चलते वापस से, सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी, जैसे कि उस बॉल को वापस से यहाँ पर डालना पड़ेगा। इस गेट को खोलते हैं, यहाँ से बॉल उठा लेंगे। अबे कहाँ जा रही, रुक जा, फटाफट से यहाँ पर इस बॉल को डाल देते हैं। और पहली बार में तो कुछ काम होता ही नहीं है, यहाँ पर जाएंगे वापस से, और ये बॉल गई अंदर सीधा, और हम यहाँ पर अंदर भी आ चुके हैं। फटाफट से इस ब्लेड को यहाँ से उठा लेते हैं। एक सेकंड, मैं तो एक बार ही करने वाला था ना, रुक जाओ एक बार और ट्राई करते, पहले मैं इंजेक्शन यहाँ पर रेडी रखता हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो हम इसको सीधा यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर इंजेक्शन रख देते हैं, इसका यहाँ आप हाथ उठाएंगे और इसका हाथ ऐसे खोल देंगे, ताकि ये काटने में इजी हो, और इसका हाथ यहाँ पर लेते हैं और पूरा का पूरा काट डालेंगे। कट जा। अरे कितना मुश्किल है इसको काटना, रुक जाओ इसका फिर से ब्लड बहने लग गया, रुक जाओ इसका हाथ पकड़ूंगा और खींच देंगे बाहर, और यहाँ फटाफट से उठा लेते हैं। नहीं यार, ज्यादा टाइम नहीं बचा मेरे पास, ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, पर इस बार हम इसको कंप्लीट करके रहेंगे। तो गाइस सर अभी टाइम आ चुका है इसके हाथ को यहाँ से खींच के निकाल लेने का, और इसके ब्लड को हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा। इसको लगाकर रुक जा, इस बार रुक जा प्लीज, ये मर जाएगा। और ये ब्लड को हमने फाइनली यहाँ पर रोक दिया है, और इसके अंदर थोड़ा ब्लड वापस से चढ़ा देंगे, वरना ये मर ही जाएगा। फटाफट से इसको डाल देते हैं, ब्लड हमने पूरा का पूरा घुसा दिया इसके अंदर, और ये ब्लड यहाँ पर हो चुका है 684 इसके अंदर ब्लड बचा है। एक काम करते, पूरा का पूरा खाली कर देते इसके अंदर ही, क्योंकि अभी हमें दूसरा हाथ भी तो करना है। फटाफट से इसको लेकर चलते हैं, इस वाले पूरे ब्लड की बॉटल को इसके अंदर ही घुसा देते हैं। ये लो अंकल, आपके लिए पूरा का पूरा ब्लड, पी लो। पूरा अंकल को हमने ब्लड यहाँ पर पिला दिया है, 1100 ब्लड यहाँ पर हो चुका है। अब हमें जाना है वापस से। अब हमें एक हाथ तो मैं अभी लगा सकता हूँ, रुक जा, मुझे वो कटा हुआ हाथ यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। कटा हुआ हाथ कहाँ गया, ये रहा कटा हुआ हाथ, फटाफट से यहाँ से लेके चलते हैं। इसको हम वहां पर रखेंगे और अपना नया एकदम फ्रेश हाथ इसके लगाने वाले यहाँ पर लेकर जाते हैं। कौन सा है, राइट आर्म, हाँ ये राइट आर्म है, इसको फटाफट से यहाँ पर रख देते हैं, डन। और गाइस सर हमारा यहाँ पर नया हाथ बिल्कुल सक्सेसफुली आ चुका है, इसको फटाफट से लेकर जाकर रख देंगे। आखिरकार ये सर्जरी मुझे लगता है कंप्लीट हो ही जाएगी। फटाफट से इस हाथ को हमने लगा दिया, एक हाथ यहाँ पर हो चुका है। अब बारी दूसरे हाथ की, पहले मुझे चाहिए होगी 2-3 चीजें। 2000 है इसका ब्लड लेवल, पहले यहाँ पर एक फटाफट से ब्लड की मंगवा लेते हैं, किसकी मंगवा लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे इसको यहाँ पर बिल्कुल इमरजेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर रखना पड़ेगा इसको। और ब्लड रोकने वाले इंजेक्शन को भी लेकर चलते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। सीधा इसका मैं हाथ निकालने वाला हूँ, कटना वटना मेरे से है नहीं, कटने में बहुत टाइम लगता है। सीधा उखाड़ेंगे और यहाँ से इसको उठाएंगे और सीधा इसका ब्लड रोक देते हैं। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, अबे इतना दूर लगा दिया, रुक जा,
ब्लड यहाँ पर पूरा सक्सेसफुली हमने रोक दिया। इसका ब्लड देखते कितना बचा है, 800। तो फटाफट से इसको उठाएंगे और इसको भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा ब्लड भी वापस से बढ़ जाए। इसको अंदर थोड़ा बुरा भरने देंगे और बस इतना बहुत है। अब ये वाला हाथ उठा रहे थे जो कि खराब वाला था, इसको फटाफट से लेकर जाएंगे और नया हाथ लेकर आएंगे। और आखिरकार सक्सेसफुली हो रही है हमारी सर्जरी और ये हमारा नया हाथ भी आ चुका है। इसको लेकर चलते हैं और इसको यहाँ पर लगा देंगे आराम से जाकर, ये डन। तो कैसर फाइनली हमारी सर्जरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई, बहुत बार करना पड़ा, आखिरकार हमारी ये वाली लेवल भी कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसर मुझे लगता है मैं एक बहुत ही बढ़िया डॉक्टर यहाँ पर बन चुका हूँ। ए मुझे इसमें मिल चुका है, A+ नहीं मिल चुका। हमने टोटल 2 लीटर ब्लड इसका भा दिया। कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। तो कैसर इसी के साथ हमने अपनी दो सर्जरी कंप्लीट कर दी है और हम एक बढ़िया से सर्जन भी बन चुके। तो ये था हमारा डे 14 ऑफ 30 डेज 30 गेम चैलेंज का। अगला गेम हम कौन सा खेले फटाफट से कमेंट करके बता देना, और अगर आपको देखना है इसका Part 2 तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो कैसर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलेंगे आपसे डे 15 में। तब तक बाय बाय।